नमस्कार सेंट्रल स्कूल आदिपुर गुजराती मतलब ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा सात में हिंदी के व्याकरण विभाग में वचन भाग दो, जिसमें एक वचन में से बहुवचन में बदलने के कुछ नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब पुल्लिंग शब्दों के लिए, कुछ पुल्लिंग शब्दों को एक वचन में से बहुवचन में यदि परिवर्तित करना हो तो पहला नियम ऐसे कहता है कि अ रश्व की दीर्घ ही रश्वो दीर्घ उकारान कुछ पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। मतलब ऐसे कुछ पुल्लिंग के शब्द जिनके अंत में अ रश्व दीर्घ रश्वो या दीर्घ उ आता हो वो एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, एक सा रूप रहता है, बदलता नहीं है। जैसे वृक्ष बोलेंगे तो क्ष के पीछे अ सुनाई देगा, कपि ह्रस्व ई है, आदमी दीर्घ ई है, डाकू दीर्घ उ है। तो कुछ अकारान ह्रस्व इकारान दीर्घ इकारान ह्रस्व उकारान दीर्घ उकारान शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्द याद में रखना है। दूसरा, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्द ए में बदलने से एक वचन में से बहुवचन हो जाता है। जैसे लड़का अंत में आ आया तो आ का क्या कर देना है हमें ए, तो लड़का का क्या हो जाएगा लड़के। बच्चा आ की मात्रा लिखा देनी है, ए की मात्रा रख देनी है, बच्चा बच्चे, लड़का लड़के। तो पुल्लिंग कुछ पुल्लिंग शब्दों को एक वचन में से यदि बहुवचन में परिवर्तित करना है तो पहला नियम है कुछ अकारांत ह्रस्व इकारांत दीर्घ इकारांत ह्रस्व उकारांत दीर्घ उकारांत शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कैसे पता चलेगा कि ये बहुवचन क्या है, तो इनके आगे जरूर कोई ऐसा शब्द आएगा जो हमें एक से ज्यादा होने की सूचना देगा। जैसे बहुत सारे पेड़ गिर गए तो पेड़ एक वचन ही हुआ, अकारांत है, लेकिन उसके आगे शब्द है बहुत सारे, है ना। आ कितने सारे आदमी, कितने सारे मतलब एक से कहीं ज्यादा, तो बहुवचन पता चल जाएगा। आज गांव में डाकुओं ने हमला किया, डाकू ने हमला किया, तो डाकू को भी अकेला तो ऐसे आता नहीं है, है ना, तो ये भी बहुवचन में होगा। और आ का ए कर देना है, लड़का लड़के, बच्चा बच्चे, गमला गमले, ऐसे। अब कुछ स्त्रीलिंग, सारे स्त्रीलिंग के शब्द नहीं, यहाँ पे भी कुछ पुल्लिंग के शब्द, सारे नहीं, कुछ स्त्रीलिंग के शब्दों को एक वचन में से बहुवचन में बदलने का पहला नियम कहता है कि कुछ अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को ईकारांत ऊपर ए की मात्रा अनुस्वर के साथ कर देने से बहुवचन हो जाता है। तो हमें शब्द जैसे दिया गया हो वैसा का वैसा लिखना है, यानी अंतिम अक्षर के ऊपर हमें ए की मात्रा लिख देनी है अनुस्वर के साथ। मशीन मशीने, किताब तो किताब लिखते आखिरी अक्षर जो है उसके ऊपर हमें ए की मात्रा अनुस्वर के साथ करनी है। किताब किताबें, मशीन मशीने, पुस्तक पुस्तकें, समझ में आया। दूसरा नियम कहता है कि कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को ए के ऊपर अर्धचंद्र आकार अनुस्वर के साथ आ की मात्रा तो होगी, खाली उसमें ए लगा देने से बहुवचन हो जाता है, पाठशाला। तो वैसा का वैसा लिखना है हमें, खाली उसमें ए जोड़ देना है, जगह नहीं छोड़नी है बीच में, ए के शब्द है तो पाठशाला पाठशालाएं। माला तो माला लिख देना है और ए जोड़ देना है, माला मालाएं, पाठशाला पाठशालाएं, बालिका बालिकाएं, समझ में आया। कुछ इकारांत ह्रस्व ई अंत में आता हो ऐसे स्त्रीलिंग के शब्दों में यां लगा देना होता है पीछे, तो जैसे जाति, देखो तो भी नहीं करेंगे, जाति मतलब जहां क्रिया बताता है,
यहाँ जाति मतलब समूह लोगों का, तो वैसे ही लिख के खाली यहाँ लगा देना है पीछे जातियां, पंक्ति मतलब कतार एक के बाद एक, तो क्या हो जाएगा पंक्ति, वैसे ही लिख के खाली यहाँ लगा देना है पंक्ति पंक्तियां। रश्वेकार में अब बहुवचन में हमेशा याद रखना कि दीर्घ उ और दीर्घ ई बहुवचन करते समय रश्व ई और रश्व उ में बदल जाते हैं, बड़े वाले की मात्रा छोटे वाले में बदल जाती है बहुवचन करते समय। तो कुछ दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों को बहुवचन करने के लिए अंत के बड़े वाले ई को छोटे वाले ई में बदलकर यहाँ लगा देना होता है। गाड़ी गर्भ दीर्घ ई की मात्रा है तो दीर्घ ई को हमने रश्व ई करना है, तो गा रश्व ई की मात्रा डी और प्लस यहाँ लगा देना है गाड़ियां, जगह नहीं होनी चाहिए बीच में, गाड़ी गाड़ियां वैसे गाड़ी, तो गा गर्भ रश्व ई की मात्रा या डाली गाड़ियां। तो हमने दूसरे भाग में कुछ नियम देखे, कुछ पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन में लाने के लिए पहला नियम है कुछ अकारण रश्वीकरण दीर्घीकरण रश्वकरण दीर्घ उकरण शब्दों को एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, कुछ आकारण पुल्लिंग शब्दों को ए में बदलने से बहुवचन हो जाता है, कुछ स्त्रीलिंग अकारण शब्दों को ए में बदलने से बहुवचन होता है, कुछ स्त्रीलिंग के आकारण शब्दों को ए कारण करने से बहुवचन बनता है, रश्व इकारण स्त्रीलिंग शब्दों में यां जोड़ने से बहुवचन होता है, दीर्घ इकारण शब्दों को बहुवचन करते समय रश्व ई में बदलकर यां लगाने से बहुवचन में शब्द परिवर्तित होते हैं। अभी एक दो नियम और रह गए हैं और स्वाध्याय में से कुछ प्रश्न पर हम अपना हाथ